सुप्रभात मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को बदलना ही प्रकृति का नियम है। इसी से हमें सफलता मिलेगी। मैं पीताम्बर अवानी आज 10वीं कक्षा के गद्य भाग से संबंधित पाठ नेताजी का चश्मा, जो एक देशभक्ति कहानी है, लेखक है स्वयं प्रकाश, इसे लेकर मैं उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सुने। इस पाठ को पढ़ने से पहले आप जान लें कि देश क्या है, देशभक्ति क्या है और यह पाठ देशभक्ति कहानी की श्रेणी में कैसे आया। मैं बता दूं कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि करने के प्रयास का नाम ही देशभक्ति है। प्यारे बच्चों, नेताजी का चश्मा गद्य की एक कहानी विधा है या एक देशभक्ति कहानी है। ऐसा इसलिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता आंदोलन के अमर सेनानी थे। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी, रचना, वेशभूषा आदि के प्रति रुचि भी एक तरह से देशभक्ति की भावना पैदा करती है, इसीलिए इसे देशभक्ति कहानी की श्रेणी में रखा गया है। आओ देखें कहानी क्या है। हल्दार साहब, कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, हल्दार साहब हर पंद्रहवें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता है जिसमें नेताजी का मूर्ति लगा हुआ है। वो कस्बा कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा एक कस्बा जिसमें एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन सिनेमाघर और एक नगरपालिका थी जो समय समय पर कभी सड़कें पक्की करवा देती, कभी कुछ पेशाब घर बनवा देते, कभी कबूतरों की छत बनवा देते, कभी कवि सम्मेलन करवाते, इस तरह से कुछ न कुछ करवाते रहते। संयोग की बात है, एक बार नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड ने, प्रशासनिक अधिकारी ने, कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाने के जो इनके प्रस्ताव रखा और लोगों ने सलाह मशवरा करके उस चौराहे पर प्रतिमा के बारे में सोचने लगे और कस्बे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है कि एक प्रतिमा लगवा दी। बात यह है कि ये प्रतिमा कौन बनाएंगे, किसे ये काम दिया जाए, तो उपलब्ध बजट यानी कह रहा है कि वो शासनावधि समाप्ति होने के घड़ियों में स्थानीय कलाकार को यह काम दिया गया, जिसमें से इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को चुना गया और उसे यह जिम्मेवारी दी गई, जिन्होंने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास कमेटी को दिया और देखते ही देखते वो मूर्ति बना करके सौंप भी दी। तो ये करें कि टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची मूर्ति, जिसे बस्ट कहते हैं, वो बना करके, सुंदर सी मूर्ति बना करके जो कि सौंप दिए। देखते ही लगते फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो वगैरह वगैरह नारे याद होने लगते हैं। और देखते ही देखते और उसी मूर्ति की, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था और उसी मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। इसी चश्मे से संबंधित यह कहानी है। कहानी आगे बढ़ते हैं। जीप कस्बा छोड़कर, लेखक हल्दार साहब के जो है कि जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। हल्दार साहब उस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और निष्कर्ष पर पहुंचे कि मिलाकर नागरिकों को यह प्रयास सराहनीय रहा। रंग रूप,
या कद का नहीं उस भावना का है भावना, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। आज मैं कहानी को यहीं पर रखता हूँ, फिर आगे कल बताऊंगा। धन्यवाद।